नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जो अपनी गाड़ी में आए हैं उनको भी नमस्कार, जो दूसरे में घुस घुस के आए हैं उनको भी नमस्कार, भाइयों को भी नमस्कार एवं उनकी बहनों को विशेष नमस्कार। रणछोड़ छाछा इस क्षेत्र का शासक पद का पहला उम्मीदवार, ये मेरा असाइनमेंट है। असाइनमेंट नहीं नेता जी, जिससे नेता मैं हो या तो ये कौन है गार्डन है, गार्डन गार्डन तो सस्ते में आवे, सिक्योरिटी गार्ड है। आइए नेता जी स्टूडियो में, कल तक आपका स्वागत है, स्थान ग्रहण कीजिए। से क्या कह रहे हैं, स्थान ग्रहण कीजिए नेता जी। ओ स्थान ग्रहण कीजिए या जीवो नगरी में स्टूडियो में चारपाई कहाँ लगा है नेता जी? ये स्टूडियो यहाँ चारपाई नहीं, चेयर लगा दिए। चेयर तो चेयर क्या हो, छोटी चारपाई नेता जी, छोटी चारपाई। ओ छोटी चारपाई, इसमें तो मेरे पूंजी भी ना हो। आइए नेता जी बैठिए, गिर जा। अच्छा नेता जी, मैं आपका इंटरव्यू स्टार्ट करता हूँ। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, बोलो गाड़ी वाड़ी हो क्या? साक्षात्कार। हाँ भाई स्टार्ट करो नेताजी। तो नेताजी ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ था? भाई हमारा जन्म इंडिया में हुआ था। अरे मेरे कहने का मतलब है इंडिया के कौन से इलाके में हुआ था? इलाका तो कुत्तों का होता है, इज्जतदार लोगों का नहीं। क्यों रहता है मेरे नेताजी के लिए? नेताजी मेरे कहने का मतलब है कि इंडिया के कौन से इलाके और कौन से कोने में आपका जन्म हुआ था? चार चार साल के बच्चों को भी आप बताओ, उस समय हमारी आंखें बंद थी। जोरदार ताली हमारे नेताजी के लिए। नेताजी थोड़े जनरल नॉलेज की बातें हो जाए। ये जनरल नॉलेज का हो रहा हूँ, समान ज्ञान नेताजी, समान ज्ञान। ओ समान ज्ञान, समान ज्ञान। हाँ भाई करो। नेताजी ये बताइए कि चार पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? चार पर सबसे पहला कदम अम्मा स्टोर ने रखा था। अम्मा स्टोर ने नेताजी नहीं, अमित स्टोर। नेता मैं हुआ तू सराफ। नेताजी दूसरा सवाल है कि दूसरा चार पर कदम किसने रखा था? इलाका तो कुत्तों का होता है, इज्जतदार लोगों का। अच्छा नेताजी की बातें कर लेते हैं, ये पॉलिटिक्स का हो राजनीति नेताजी, राजनीति। ओ हिंदी में नहीं पूछ सकता नेताजी, आपकी गवर्नमेंट कैसे चल रही है? गवर्नमेंट सरकार नेताजी, सरकार। ओ सरकार, हमारी सरकार राम भरोसे चल रही है। राम भरोसे मतलब भगवान भरोसे? ये राम भरोसे। लेकिन कैसे सारा काम है नेताजी के लिए? नेताजी नेताजी आप अपने जनता के लिए क्या किया है? पुराना चिट्ठा बोलूं क्या? बोल तो कंबल बटवाए थे भाई, कंबल बटवाते जानवरों को, गाय भैंसों को। अच्छा मतदान जनता से लिया और कंबल गाय भैंसों को बटवाया? भाई उनको न बटवाते तो सर्दी में मर जाते, दूध तो उन्हें कभी हो जाता है मेरे नेताजी के लिए। नेताजी आप डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल है? डेमोक्रेसी का हो राजनीति नेताजी, राजनीति। ओ राजनीति, हाँ भाई पूछो। जनता की ऐसी कैसी, जनता की ऐसी कैसी, इसको कहते हैं नेताजी के लिए। अच्छा नेताजी आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाय मेरे पार्टी जूता है जूता। नेताजी बताइए कि आप अपने पार्टी को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई मैं अपने पार्टी को यह संदेश देना चाहती हूँ, मेरा यह संदेश है भारी बहुमत से विजयी बनाओ, जो चाय और कॉफी से ना मांगे दाल और बिरयानी। क्यों चाहते हैं मेरे नेताजी के लिए? नेताजी बताइए कि पिछले महीने गांव में आग लगी थी, उसका क्या कारण हो सकता है? भाई उसमें हमने बहुत से कार्य किए थे, जितने मर गए सबको शमशान घाट पहुंचाया, जितने घायल हुए सबको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, जिंदा करने की कोशिश अभी भी जारी है, ट्रेंटिस लगवा दिए गए, जितने घायल हुए सबको 10 रुपए का मुनाफा, जितने मर गए सबको 50 रुपए का मुनाफा। इस भाई पिछले साल
महंगाई बढ़ गई थी उसका क्या कारण हो सकता है? क्या कारण? बात पलट दीजिए नेता जी। क्या यार फर्ज, क्या यार फर्ज पर फर्ज करते जा रहे हो? डीजे मुझे नहीं लगवा सकते थे नेता जी? स्टूडियो यहाँ डीजे नहीं लगवा जा सकता। चल भाई मोबाइल से मोबाइल अपने रामपति को कॉल करना है। रामपति कौन है? वेरी गर्ल थाना सारी गर्ल का डीजे। देख ले, ऐसा नहीं देख सकता, तू भी देख। हेलो एटीपी पीटीपी सब कैमरे लगे हुए हैं, देखो मैं कौन सा चैनल पे आ रहा हूँ। मैंने रखो। हेलो रामपति, देखो एटीपी पीटीपी सब कैमरे लगे हुए हैं, देखो मैं कौन सा चैनल पे आ रहा हूँ। कुत्ते कमीने रहा हूँ, पर फोन करता रहा हूँ। भाई मुझे कुछ कह रहे हैं।